ऋषि, बिजनेस लोन्स की हम बात कर रहे हैं, उसके कुछ फायदे नुकसान दोनों को समझने की यहाँ पर कोशिश भी कर रहे हैं। अगर हम कंपेयर करते हैं इंडिविजुअल लोन्स, खासतौर पर इन स्पेसिफिक पर्सनल लोन से, तो क्या कोई लिमिटेशन भी होती है कि मिनिमम बिजनेस लोन आपका इतने लाख का होना चाहिए? यानी कि अगर कोई जाए बैंक में, वॉक इन करता है और वहां पर जाने की कोशिश करता है कि भाई मैं लोन लेना चाहता हूँ, तो क्या कोई बिजनेस प्लान लेकर जाना पड़ेगा वहाँ? देखिए, बिजनेस प्लान लेके जाने की होता, आपको पिछले 3 साल के आईटीआर की जरूरत होती है। तो बिजनेस लोन और पर्सनल लोन में फर्क है। पर्सनल लोन 50,000 से शुरू हो जाता है, बिजनेस लोन 2 लाख से आसपास शुरू होता है। कुछ बैंक देते हैं कम, बट एवरेज 2 लाख से ही शुरू होता है। यानी मिनिमम 2 लाख एटलीस्ट आपका जो भी खर्चा है जो आप बैंक को दिखाएंगे। करेक्ट। और साथ ही बैंक को ये भी बताना पड़ेगा कि ये पैसा हम कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि एक्सपेंसेस किस तरह से हम एलोकेट करने वाले हैं। देखिए, पर्सनल लोन में तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, बिजनेस लोन में भी आप जब लोन ले रहे हैं तो आप अपनी बैलेंस शीट के ऊपर के ले रहे हैं। आप उसको कोई, आपको ये नहीं देना कि मैं पैसा इसी के लिए यूज करूंगा, मैं अपना बिजनेस को किसी की तरह भी यूज कर सकता हूं। वो पैसा पर आपके बिजनेस अकाउंट में ही आएगा, और बिजनेस अकाउंट में आया है फिर आपको यूज दिखाने के लिए एक नॉर्म है ही है, उसी के बेसिस पे काम करना पड़ेगा। बट आपको कोई दिखाना नहीं होता कि मेरे को सिर्फ इसी चीज के लिए लेना है, रॉ मटेरियल के लिए लेना है या मैं बिल्डिंग के लिए लेना है, ये कोई एंड यूज स्पेसिफाइड नहीं होती। पर जहां तक पेपर वर्क का सवाल है, जैसे आपने कहा कि पिछले 2 साल का आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न है वो आपको शो करना होगा, और बिजनेस में जो भी लॉस या प्रॉफिट आपको हो रहा है वो आपको बैंक को शो करना है। साथ ही साथ अगर हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं, और कौन सी ऐसी चीजें हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको बैंक के सामने दिखानी होंगी लोन के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं आप? बिजनेस लोन में देखिए, आपके अपना आपको अपनी कंपनी के पूरे 3 साल की आईटीआर देनी पड़ेगी। उसके जो डायरेक्टर्स हैं उनका आपको उनके केवाईसी डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। आपका बिजनेस का रेजिडेंस प्रूफ, परमानेंट प्रूफ वगैरह कहां कहां पे है उसके डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। ज्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये मिथ है बहुत कि बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आज के डेट में जब जब लोग प्रोफेशनल होते जा रहे हैं, सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक फाइल बनी पड़ी होती है, वो फाइल को कॉपी करके फोटोकॉपी करके ही देना होता है। ज्यादा कोई कुछ खास डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं। बट केवाईसी डॉक्यूमेंटेशन सारे डायरेक्टर्स की चाहिए होगी, कंसेंट चाहिए होगा कि हम लोन अप्लाई कर रहे हैं, ऐसे कुछ 3-4 डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा हो जाते हैं। बहुत ज्यादा पेपर वर्क इसमें नहीं है। तो आइडियली कितना समय लगता है, लोन एप्लीकेशन अप्रूव हो गई तो रकम आने में खाते में कितना समय लग जाएगा? देखिए, एवरेज बिजनेस लोन का टर्न अराउंड टाइम 3-7 दिन होता है। ठीक है, तो 3-7 दिन लगते हैं। पर्सनल लोन भी 2-4 दिन का होता है, बस इसका इतना ही फर्क है। अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, और लोन का जो टोटल टेन्योर है वो कितना लंबा होता है इन कंपैरिजन टू पर्सनल लोन, बिजनेस लोन में कितना लंबे समय का लोन मिलता है? देखिए, 2-5 साल तक के एवरेज है, डिपेंड करता है, आप उसके बाद उसको फिर भी एक्सटेंड कर सकते हैं। सब स्कीम्स अवेलेबल होती है, कई बार कुछ बैंक 7 साल के लिए भी देते हैं एलिजिबिलिटी बढ़ाने वगैरह के लिए, तो इस तरह से चलता रहता है। जी, यानी इंडिविजुअल के ऊपर भी डिपेंड करेगा। इनफैक्ट ऋषि, जहां तक पर्सनल लोन की बात है तो उसमें एक आम तौर पर आइडियली माना जाता है कि 35% से ज्यादा आप पर डेट नहीं होना चाहिए। उससे ज्यादा अगर आप कर्जा दे रहे हैं, यानी कि आपकी ईएमआई जा रही है, तो उसका आपका क्रेडिट स्कोर पर भी इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। आपका आखिरी कमेंट ऋषि चाहेंगे, क्योंकि आपने कहा कि डिफरेंस है दोनों ही कैटेगरी ऑफ लोन्स में, इसलिए फर्क रखना भी जरूरी है। अगर कोई बिजनेस लोन लेने की सोच रहा है, आपकी एडवाइस क्या होगी उसके लिए? मेरी एडवाइस यह है कि अगर आपका बिजनेस है तो आप प्लीज बिजनेस लोन ही अप्लाई कीजिए, ये आपके बिजनेस के लिए बेटर रहेगा। आपको इंटरेस्ट में बहुत सेविंग होगी। सेकेंडली, मेरी ये भी एडवाइस है कि आप प्लीज कंपेयर करिए। आज की डेट में NBFCs और कुछ बैंक्स स्पेशल स्कीम्स निकालते रहते हैं, और उनके लिए कुछ प्रोडक्ट बेसिस पे भी, कुछ जैसे किसी इंडस्ट्री को वो स्पेशल रेट्स निकालते रहते हैं, उसके बेसिस पे भी आपको ऑनलाइन का जमाना है, कंपेयर करिए और आपको कंपेयर करने पे बेस्ट डील मिल जाएगी। तो बहुत सारे ऑप्शन जरूर तुलना करें, कंपेयर करें और उसके बाद आगे बढ़ें। ब्याज दरों में डिफरेंस है, पर्सनल लोन लेंगे तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, और साथ ही आपका क्रेडिट स्कोर भी इससे खराब हो सकता है। तो इन सब बातों का ख्याल रखें, और बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो बिजनेस लोन लेने में झिझके नहीं। शुक्रिया ऋषि, समय दिया आपने, बातचीत की हमसे। तो फिलहाल मनी गुरु लोन स्पेशल में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।